हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टीडिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म ओवरव्यू, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सिलेबस के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी 2024 के ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का नाम है वो जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024। एग्जाम का लेवल यूनिवर्सिटी लेवल और एग्जाम का जो टाइप है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। कोर्स ऑफर करती फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए वो LLB, बी प्लान, बी टेक, बी फार्म, BLLB, बी आर्किटेक्चर, BEd एक्सेट्रा। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए करती है MTech, MSc, LLM, MA, PGDM एक्सेट्रा। अभी सबसे पहले उसके एडमिशन डेट्स के रिगार्डिंग बात कर लें, जो थ्रू जीडी जॉइन के थ्रू होती है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है फोर्थ वीक ऑफ जनवरी 2024। लास्ट डेट है अप्रैल 2024। मेरिट लिस्ट निकलता है अप्रैल 2024। फॉर यूजी एंड पीजी की बात कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म यूजी का स्टार्ट होता है वो सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024। पीजी का स्टार्ट होता है फोर्थ वीक ऑफ मार्च 2024। लास्ट डेट है यूजी के लिए फोर्थ वीक ऑफ मार्च 2024। लास्ट जो डेट है फॉर द पीजी के लिए थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2024। एप्लीकेशन करेक्शन मेथड आता है यूजी के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024, वही पीजी का आता है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी का जो एग्जाम के लिए एग्जाम का जो अनाउंस किया है सिटी जो होता है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2024 फॉर यूजी के लिए, पीजी के लिए फोर्थ वीक ऑफ मई 2024। एडमिट कार्ड रिलीज होता है यूजी का मई में, वही पीजी का जून में। एग्जाम डेट मई में होता है यूजी का और पीजी का जून 2024 का। इनके एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 और भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और भी ऑनलाइन मोड में इनका होता है। और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, रिलीज हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म CUET का। और नॉर्मली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना, जब अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं आपका पर्सनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो करेक्टली आपको फिलअप करना है। और उसके बाद आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, नहीं जो सिग्नेचर में आपको अपलोड करना रहेगा वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। इनका जो लास्ट डेट है CUET का वो मार्च 2024 का लास्ट वीक। और नॉर्मली आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, इनका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन फीस होता है और ₹1000 फीस है फॉर एवरी कैंडिडेट। एप्लीकेशन का जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अभी बात करते हैं फॉर यूजी कोर्स के जो एप्लीकेशन फीस है, वही अगर आप तीन सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो जनरली ₹750 है, वही OBC के लिए ₹700, SC ST के लिए ₹650। अप टू 7 सब्जेक्ट लोगे तो जनरल के लिए ₹1500, OBC के लिए ₹1400, SC ST PW BD के लिए ₹1300। अप टू 10 सब्जेक्ट जनरल के लिए 1750, OBC के लिए 1650, SC ST PWD के लिए 1550। फॉर PG कोर्स की बात करें तो जनरल के लिए जो सेंटर अप टू इन इंडिया 3 टेस्ट पेपर के लिए ₹1000, पर पेपर का ₹500, अगर आउटसाइड इंडिया करोगे तो ₹5000 पर 3 पेपर, ₹1500 फॉर 1 पेपर। जनरल EWS OBC के लिए आएंगे तो उनके लिए 3 पेपर का सेंटर इन इंडिया के लिए ₹800, पर पेपर ₹400। SC ST के लिए 3 पेपर का जो सेंटर इन इंडिया का है ₹750, पर पेपर ₹400। PBW BD के लिए जो ₹700 पर 3 पेपर सेंटर इन इंडिया, अगर आप पर पेपर का ₹400 पर इंडिया। अभी बात करते हैं जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी 2024 में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको नेम, ईमेल ID और फोन नंबर डालने के बाद आपको उसमें पर्सनल, एकेडमिक डिटेल, क्वालिफिकेशन सबको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कैन करना पड़ेगा इमेज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना। सबमिट कर दे, प्रिंटआउट निकाल लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। फॉर BTEC के लिए आपको नॉर्मली क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें फिजिक्स, मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए आपको नॉर्मली क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। पर मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक तरह का मैंडेटरी सब्जेक्ट है फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए टू क्वालिफाई और टू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। स्कोर कार्ड की मैं बात करें तो आपका नेटक 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो भी वैलिड स्कोर कार्ड होगा तो ही आपको एडमिशन मिलने के चांस है। फॉर MCA स्कोर की बात करें तो आपको BCA कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो BCom, नहीं तो BA कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं तो इंस्टीट्यूट से कर सकते हो।
मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट जो क्लास 12 में आना चाहिए, तो ही आप और ग्रेजुएशन लेवल में भी होगा तो भी चलेगा, पर मैथ्स आना ही चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस एडमिशन। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आना चाहिए फॉर क्वालिफाई एग्जाम के लिए और फॉर द एलिजिबल फॉर दिस एडमिशन। अपेयरिंग की बात करें तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो ग्रेजुएशन में तो ही आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। फॉर CUET यूजीअर PG की बात करें तो आपका UG कोर्स में 10+2 लेवल होना चाहिए एग्जाम के लिए, और वही PG की बात करें तो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो फॉर अप्लाई PG कोर्स। एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्लास 12 में हो UG में, अगर आप PG में अगर फाइनल ईयर में हो बैचलर डिग्री में तो आप इजिली एलिजिबल हो जाते हो फॉर अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अभी बात करें इनके एंट्रेंस एग्जाम की, इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम कम स्कॉलरशिप टेस्ट। UG और PG का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इनके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स करते हो फिर भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी बात करते हैं इनकी काउंसलिंग, इनका काउंसलिंग स्टार्ट होता है 1 सितंबर 2024 का, इनका काउंसलिंग होता है वो भी ऑनलाइन मोड में होता है। जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका काउंसलिंग राउंड में, वहाँ पे आपको नॉर्मली एक तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होते हैं, उनके राउंड्स होते हैं। काउंसलिंग में आपको क्या किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और इंटरव्यू राउंड होता है वहाँ पे। वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती होती है, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।